नोटबंदी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में कैसे छाया आपको बता देते हैं। गाजीपुर में मुलायम सिंह यादव ने रैली की, नोटबंदी के मुद्दे पर जमकर वो बरसे, प्रधानमंत्री मोदी को घमंड से चूर नेता बताया। खास बात यह कि गाजीपुर के जिस मैदान में मुलायम की रैली थी 14 नवंबर को प्रधानमंत्री ने इसी मैदान में नोटबंदी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। यूपी की सियासत में चुनावी तड़का लग चुका है, भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन चुनावी रैलियों और यात्राओं का बिगुल बज चुका है। बीएसपी और बीजेपी की रैलियों के बाद अब सत्ताधारी एसपी भी मैदान में उतर आई। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने गाजीपुर के उसी मैदान में रैली का चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका जिस पर ठीक 10 दिन पहले पीएम मोदी ने रैली की। खास बात यह रही कि जहां पीएम मोदी की रैली में नोटबंदी का मुद्दा छाया रहा, तो आज मुलायम भी नोटबंदी पर जमकर बोले। मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी के एक एक हमले का करारा जवाब दिया। कुछ लोगों को तो जरा ज्यादा तकलीफ हो रही है, ये वो लोग नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं, खुद बोलते नहीं है, खुद तो मुस्कुराते हैं। मोदी जी ने अच्छा किया, फिर पीछे से कहते हैं लोगों को, अरे भड़को भड़को जाओ। भारतीय जनता पार्टी ने दू के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया है, हमारे किसान और हमारे जवान, और उसके साथ साथ जो हमारे व्यापारी हैं इनको भी बर्बाद करने का पूरी साजिश की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गांव का व्यक्ति भी देश की ईमानदारी के लिए इतना कष्ट झेलने के लिए तैयार है, मुझे विश्वास है हिंदुस्तान में अब बेईमानों के लिए कोई चारा नहीं बचा। लेकिन आज पता नहीं प्रधानमंत्री जी का क्या सोच है, वो तो धमकी देते हैं, वो कहते हैं कि हमारा गरीब है, हमारा ईमानदार है, वो सुख की नींद सो रहे हैं, वो हम सब लोग बेईमान हैं क्या? ईमानदारी के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं, तो पब्लिक ये बताओ कि 500 और 1000 का नोट चलना चाहिए, भ्रष्टाचार चलना चाहिए, काला धन चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए, बताओ। लोगों के नाम पर गुमराह करने की बातें मत करो। प्रधानमंत्री जी घमंड में दूर हो, और घमंड जब किसी को होता है तो घमंड नहीं कर से नीचा होता है, ये सिद्धांत है, सभी जानते हैं। जैसे आज हम उनको सावधान करना चाहते हैं कि जो आपने नीतियां बनाई हैं वो नीतियों में सबको दल गुमराह करके, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, वो जो अच्छाइयाँ हैं बता देना, कमियाँ हैं तो हम लोग बता दें। लेकिन लोकतंत्र में ये नहीं कि मनमानी चले, लेकिन आप प्रधानमंत्री मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी नहीं चलेगी। साफ है यूपी चुनाव में नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक ओर जहां पीएम मोदी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं विरोधी भी उन्हें इस मुद्दे पर घेरने में पीछे नहीं है। गाजीपुर से अनिल सिंह और अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।